आपका मनोरा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लेके दिलकू दिलकू सॉन्ग का रिएक्शन जो कि ये मेगा पावर स्टार रामचरण जी और तमन्ना भाटिया का सॉन्ग और ये सॉन्ग हमें रेकमेंड किया हमारे मेंबर विनी विराट जी ने, तो आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज। बिल्कुल यार, तो हमारे चैनल के सिर्फ 29 रुपीज में मेंबर बन सकते हैं और आज के लिए 29 रुपीज में आता है कुछ नहीं आता, तो बस फटाफट हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट पूरी करवाइए। और अभी सॉन्ग की बात की जाए तो इसके कंपोजर है मनीष शर्मा जी जो कि लेजेंडरी कंपोजर माने जाते हैं और इसके साथ साथ इसके सिंगर है हरिचरण और जननी अय्यर जी। तो बस सॉन्ग में मजा आ जाने वाला है, रामचरण जी का डांस देखने को मिलेगा और तमन्ना भाटिया के मूव्स देखने को मिलेगा, बस मजा आ जाएगा। वही ऊपर से रामचरण जी का डांस हमने एक दो सॉन्ग्स में और भी देखा हुआ है, बट उससे मेनली ये है कि हमारे वो ब्लॉक हो गया तो आप लोग नहीं देख पा रहे, तो उसको हम ट्राई करेंगे वापस रिट्रीव करने का। जैसे एक दो सॉन्ग मेरे को याद है बहुत ज्यादा रिकमेंडेड थे और वो हमने किया भी था और हमें बहुत शानदार लगे थे, उनकी जो मेन पैर की मूवमेंट्स आती है ना, लाइक वो उनको अपने फादर से मिली है, लाइक उनके फादर की जो वीना वाली मूवमेंट जो बहुत फेमस है, तो और वैसे ही रामचरण जी के पैर की मूवमेंट ऐसी है कि वो भी ऐसे ही जाते हैं और वो मोस्टली मूवीज में करते ही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें भी होगा और इसमें वो देखने को मिलेगा, तो बहुत शानदार रहेगा। तो और ऊपर से RRR मूवी भी आने वाली है बहुत रिसेंटली, और उसके मतलब रामचरण जी ने एक पोस्ट शेयर किया था वो मैं शेयर करना चाहूंगा, उस पोस्ट में उन्होंने उनकी और NTR जी की फोटो शेयर की थी और इतनी प्यारी फोटो थी ना, और वो देख के उन्होंने साथ में बोला था कि चाहे आप दोस्त बनाने में टाइम लो, आप जितना टाइम हो उतना टाइम लो, पर अगर दोस्त बनाओ तो मेरे और NTR जी जैसा बनो, तो वो देख के इतना प्यारा लगा था। ऊपर से उनकी जो फोटो थी ना वो इतनी शानदार लग रही थी और ऊपर से RRR आने वाली है तो उसका तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, इतनी शानदार मूवी होने वाली है। तो भाई उसके साथ हम पहले ये चालू करते हैं दिलाकू देखते हैं, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तमन्ना भाटिया पहले से मतलब बोलते हैं ना वो आइटम सॉन्ग क्वीन रही है। क्या एकदम कट टू कट लुक है भाई, पूरा थोड़ी अरेबिक फील आ रही है। वाह, बोला ना पहली मूवमेंट आएगी। वाह, और कैसा है वो फ्लोर जो वो चेस्ट जैसा बनाया हुआ है, मस्त मूव है यार, थोड़ी इल्यूजन हो रही है उसके वजह से। तमन्ना भाटी कितनी गोरी लग रही है। वाह, ये क्यों सही है, ये कहीं पूरी स्क्रैपिंग के साथ बहुत सारे सॉन्ग सुने हुए हैं। शायद हिंदी में कोई सॉन्ग बना हुआ है सही। हाँ, मेरे को वो ऐसा लग रहा है। ओह वाह, वीनस स्टेप। वाह, क्या बात है, बैकग्राउंड तगड़ा है। अच्छा खासा बजट लगा होगा भाई। क्या बात है, ग्रेट। वाह, कैसे गोल्डन कर दिया, लाइक तमन्ना भाटिया के भी हेयर थोड़े गोल्ड कर दिए और पूरा ड्रेस भी। रामचरण जी का देखा पीछे है, देखना वो पीछे कहते हो सुपरमैन वो नहीं होता वैसे कुछ लगा रखा है इन्होंने। क्या बात है, कुछ और समझ में आ गया, वो कह रही रोटी कपड़ा और ऐसा कुछ। शानदार, आगे देख। सॉन्ग थोड़ा सा चढ़ रहा है जबान पे। वाह, तीसरा बैकग्राउंड, क्या बात है। देखो जैसे बीट आते तो कैसे हिलता है। साउंड
सारे सारे यूनिक यूनिक्स टाइप के। ड्रेसेस कमाल की तमन्ना भाटी की। और ये बहुत अच्छी चीज है लाइक तमन्ना की जो मेन ड्रेस होती है वो हमेशा पूरे बैकग्राउंड से मैच होती है। हाँ। और रामचरण की नहीं होती है। बिल्कुल ये बैकग्राउंड डांसर्स के जैसी ही रहती है। पीछे सब बैठा आराम से वो कैसे देख रहे थे वही ना कैसे बैठ के क्या बात है। वाओ क्या बात है एकदम नजाकत से किया गया पूरा ये। और पूरे सारे वो देख रहे हैं वो और अच्छा लग रहा है। ये नेकलेस डाला हुआ क्या है वो नेकलेस में डिजाइन लग रही है। तो मैं क्रेजी करूँ तो भेजा फेंक दूँगी। फर्स्ट बैग में वापस आएगा अच्छे फ्लो में बहता हुआ एक आइटम सॉन्ग है। काफी एकदम जोरदार मूविंग वाला सॉन्ग था कि लाइक है ना पूरा आपको है ना एकदम अलग अलग बीट पे रामचरण जी का डांस देखने को मिलता है। और ऊपर से सबसे अच्छी चीज लगी मुझे सॉन्ग में मनीष शर्मा जी का म्यूजिक। जैसे जो बीच बीच के अंदर है ना म्यूजिक आ जैसे वीणा का म्यूजिक दिया गया जिसके अंदर है ना वो थोड़े बहुत जैसे दो बैकग्राउंड डांसर्स और एक रामचरण जी का स्टेप डाल देना। फिर बीच के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का सिंगल सिंगल यूज करना जिसके अंदर है ना बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे जो ढोल वगैरह होता है उनका वो यूज होना बंद हो जाता है। खाली वो जैसे या तो गिटार बज रहा है या फिर वीणा वो चल रही है तो वो उनका यूज करना। और जैसा पूरा का पूरा सॉन्ग चल रहा है तो कई कई में जैसा ऐसा रखा गया कि ना जैसे रामचरण जी को मेन फोकस में लाया जा रहा है बट उनके साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा दो डांसर्स आ रहे हैं। बाकी सब बैठ के जैसे तूने वो बताया था कि लास्ट में बैठ के देख रहे थे वो बड़ा जोरदार लग रहा था। तो ऐसे ऐसे कमाल के स्टेप्स डाले गए तो बस मजा आ गया। और ऊपर से पूरा जो सॉन्ग बनाया गया ना वो थोड़ा एक ही भी पैटर्न डंडर डंडर और ये मैंने सुना हुआ है बहुत सारे ऐसे कव्वाली टाइप सॉन्ग सुने हुए हैं। सॉन्ग में मे बी बना हुआ है इसके ऊपर हिंदी सॉन्ग्स एक नहीं दो तीन जैसे कव्वाली सॉन्ग्स हो गए और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ थोड़े अरेबिक काइंड ऑफ सॉन्ग्स हो गए तो उसका मिक्सचर बना के पूरा किया गया तो बहुत अच्छी ट्यून बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में रामचरण जी के बारे में क्या शानदार उन्होंने डांस किया और पूरे के पूरे वही उनका डांस इतना फेमस है और इतने सारे मैंने बता चुका हूँ इतने सॉन्ग्स कर चुके बट वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं बट ये सॉन्ग भी और शानदार जानदार जिस तरीके से उनके पैर हिलते हैं और वो डांस करते हैं बहुत ही मजा आता देख के। और तमन्ना भाटी उनको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी लाइक स्टार्टिंग में जैसे तो बता था वो ओवर ब्राइट लग रही थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही थी लेकिन उसके बाद बाकी दोनों उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। उनके साथ में उनकी ड्रेस के साथ भी मैच कर रहा था और ऊपर से पूरे सीन के साथ भी मैच कर रहा था। और ऊपर से है ना तमन्ना भाटी का डांस भी बहुत जबरदस्त आ रहा था लाइक जैसे उन्होंने एक चिरंजीवी सर का वो थोड़ा सा वीडियो स्टेप किया तो वो भी काफी कमाल का उन्होंने किया। और बाद में जैसे उनके बेली मूव्स आ रहे थे वो भी काफी अच्छे थे और एकदम है ना स्क्रीन को एकदम सूट कर रही थी वो तो मजा आ गया उन दोनों को देख के वही। और बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन उनकी ड्रेसिंग मैंने जैसे बताया कि वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रही थी बिल्कुल और वही रामचरण जी की जो थी वो अलग डांसर्स के साथ तो ऐसे बहुत अच्छी मैचिंग की गई थी। और साथ में डांस स्टेप्स हो गए पूरा पूरा सेट्स हो गए और सेट तो कितना पैसा लगा जबरदस्त। सेकंड जो सेट बनाया गया इसमें पीछे एकदम गोला सा बहुत तगड़ा सेट वो लाइक प्लेनेटेरियम जैसा या तो फिर सोलर सिस्टम जैसा कुछ बनाया गया था बहुत शानदार लग रहा था बहुत लग रहा था बहुत पैसा खर्च किया इस पूरे और वो वर्थ इट बिकॉज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। हमें सिर्फ हमारे मेंबर ने नहीं बाकी हमारे कितने सारे कमेंट्स में लोगों ने बोला कि दिलको सॉन्ग करो तो हम आगे लेके आ गए। तो आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं विनी विराट जी की तरह वो ज्वाइन वाला बटन ठोक दो और साथ में 29 रुपए में हमारे मेंबर बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल और आप अपनी रिक्वेस्ट पूरी करो और आप इसके अलावा 29 के अलावा भी और भी ऑप्शन है तो वो भी आप जरूर मेंबर बन सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो बिल्कुल आप बनेगा जरूर ऐसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए सब्सक्राइब करते जाइए बाय।